हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने खास उन लोगों के लिए बनाई है जो या तो YouTube में नया एक चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं या उन्होंने अभी अभी कुछ टाइम पहले YouTube में नया चैनल स्टार्ट किया है और वो जानना चाहते हैं कि YouTube चैनल को कैसे ग्रो किया जाए। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो एंड तक देखिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ ना कुछ हेल्प इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप तक और शेयर करनी है कि हमने अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम YouTube से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे जो आपके चैनल को ग्रो करने में और ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं एक टास्क देता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि जो आप चैनल शुरू करना चाहते हैं, जो आपने चैनल शुरू किया है वो कौन सी कैटेगरी का है। तो दोस्तों, जो जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपको प्लीज़ कमेंट में ये बताना है, इससे हमारे पास एक आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे नए यूट्यूबर्स हैं, जो नए यूट्यूब में चैनल शुरू करना चाह रहे हैं, वो ज़्यादातर किन कैटेगरी से हैं। दोस्तों, तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस कैटेगरी में ज़्यादा जो है डिमांड है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा दोस्तों। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करें। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कैटेगरी सिलेक्शन। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो यूट्यूब में कोई चैनल देखते हैं, मान लीजिए उन्होंने टेक चैनल या फिर कोई कुकिंग चैनल देख लिया जिसके मिलियन सब्सक्राइबर है, वो बहुत पॉपुलर है, तो लोग उसका देखे देखे में क्या करते हैं कि हम भी वही चैनल शुरू कर लेते हैं, उसका पॉपुलर हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। उनका पॉपुलर इसलिए हुआ है कि उनको उस जो कैटेगरी में है इंटरेस्ट था, उनका पैशन था उस कैटेगरी में, तभी उन्होंने उस कैटेगरी को चुना है, उस कैटेगरी में वीडियो बनाई है और इसलिए आज उनके इतने बिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतने पॉपुलर हैं। और अगर आप उनका देखी देखी करके वो उसी कैटेगरी का चैनल स्टार्ट कर देंगे और आपको उस कैटेगरी में इंटरेस्ट नहीं है, ना आपका पैशन है उस कैटेगरी में वीडियोज़ बनाने का, तो क्या होगा दोस्तों, 10-15 वीडियो तो आप देखा देखे में बना देंगे, उसके बाद आपका खुद जो है मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का और आपको डीमोटिवेट भी हो जाएंगे और आपका चैनल ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो आपको कैटेगरी ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो, दूसरे की देखा देखी नहीं करनी है। दोस्तों, इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कंटेंट का। दोस्तों, आपने एक बार जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपकी बात आती है कंटेंट की। आपका कंटेंट जो है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आपकी जो कैमरा क्वालिटी वो फुल HD या HD+ होनी चाहिए, या आपके जो एडिटिंग होनी चाहिए वो बहुत खतरनाक होनी चाहिए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो व्यूअर है, जो उस वीडियो को देखने आया है, वो एक बार को आपकी जो है कैमरा क्वालिटी से या एडिटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, पर वो जो आपका कंटेंट है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर आपका कंटेंट बेकार होगा और आपकी कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो उस वीडियो को छोड़ के चले जाएगा दोस्तों। तो मेन रोल जो है आपका कॉन्टेंट की क्वालिटी प्ले करती है, ना कि आपकी कैमरा की क्वालिटी। तो आपको कॉन्टेंट की क्वालिटी अच्छी रखनी है दोस्तों। तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है मतलब ऐसी होनी चाहिए कि मान लीजिए उस टॉपिक पे जो पहले से यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है उनमें से आपकी जो वीडियो है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि आप खुद भी अगर उन वीडियो को देखें और अपनी वीडियो देखें उसी टॉपिक पे तो आपको अपनी वीडियो अच्छी लगनी चाहिए, तभी आप उसे अपलोड करें। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है थंबनेल का। आपने क्वालिटी अच्छी दे दी वीडियो में, उस पर आपने घंटों का टाइम लगा दिया, पर आपने जो है थंबनेल 5-10 मिनट में एकदम बेकार से बना के अपलोड कर दिया और आप बोल रहे हैं कि इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इसकी मेन वजह यह है कि यह आपका व्यूअर है मान लीजिए और यह आपका कॉन्टेंट है। तो दोस्तों, आपका कॉन्टेंट आपने बहुत ही अच्छा बनाया और आपका व्यूअर भी उस कॉन्टेंट को देखना चाहता है, पर उससे पहले वो आपका जो है थंबनेल को देखेगा। जब थंबनेल ही आपका अगर अच्छा नहीं होगा तो वो यहीं से जो है वापस चले जाएगा, आपके कंटेंट तक पहुंचेगा ही नहीं, उस वीडियो को खोल के ही नहीं देखेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका थंबनेल भी उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना अच्छा आपका कंटेंट है ही, क्योंकि थंबनेल ही एक ऐसी चीज़ है जिसे जो है व्यूवर जो देख कर आपकी वीडियो को खोलता है दोस्तों। क्योंकि सबसे पहली चीज़ उसको थंबनेल ही दिखाई देती है, कॉन्टेंट तो आपका बाद में दिखता है। तो आपका थंबनेल में भी आप उतना ही टाइम दीजिए जितना आप अपने कंटेंट में देते हैं। और दोस्तों, जो आपका थंबनेल है उसमें आपको क्लिकबेट नहीं करनी है। जैसे बहुत लोग ऐसे करते हैं कि उन्होंने जो है वीडियो किसी और चीज़ पे बनाया और थंबनेल में कुछ और लिख दिया है, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके व्यूज़ एक बार को आ जाएंगे क्योंकि जो देखने वाला है वो उसे क्लिक करके देख लेगा, खोल लेगा उसे,
पर क्या होगा दोस्तों, जब उसे अंदर वो कंटेंट नहीं मिलेगा जो थंबनेल में आपने दिखाया है, तो वो वीडियो को छोड़ के चल जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके वीडियो का वॉच टाइम घटेगा और यूट्यूब उस वीडियो को डाउन कर देगा, तो आपका ही नुकसान होगा इससे। तो आपको क्लिक बेट नहीं करना है। हाँ, आप उसे अट्रैक्टिव जरूर बना सकते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब आप कुछ ऐसा उस जो है थंबनेल में लिखिए कि जो दूसरा जो देखने वाला है उसको क्यूरियोसिटी हो, जानने की इच्छा हो कि हाँ भाई इस वीडियो में क्या है, और कुछ जैसा अट्रैक्टिव चीज़ें उस पर लगाइए जिससे जो है व्यूअर उसे देखना पसंद करें। पर वो जो चीज़ें हैं वो आपकी जो है टॉपिक से रिलेवेंट होनी चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है हमारा जो है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन का। दोस्तों ये सब भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वीडियो रैंक कराने में। दोस्तों अगर आपने जो है कंटेंट अच्छा दे दिया है, थंबनेल भी अच्छा बना दिया है, पर आपने इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिया है, वो ऐसे ही बेकार से आपने जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग ऐसे ही जो है आपने अपलोड कर दिया है, ऐसे ही डाल दिया है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब कोई उस टॉपिक पर सर्च करेगा तो आपकी वीडियो वहाँ शो नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब जो है इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही उस वीडियो को रैंक करता है उस टॉपिक के लिए। तो अगर आपने उस सब चीज़ अच्छे से नहीं डाली है तो आपकी वीडियो रैंक ही नहीं होगी दोस्तों। तो अगर आपकी रैंक ही नहीं होगी तो क्या होगा दोस्तों, आपकी कितनी भी जो मेहनत है वो वैसी की वैसी रह जाएगी, आपकी वीडियो एक जगह पर पड़ी रहेगी, क्योंकि जब लोगों तक पहुँचेगी नहीं तो उस पर व्यूज़ कैसे आएंगे दोस्तों। तो आपको ये सब भी जो है रिलेवेंट डालने हैं और अच्छे टैग्स टाइटल डिस्क्रिप्शन डालने हैं दोस्तों। और आपको इसमें भी एक और चीज़ है कि आपको क्लिक बेट इसमें भी नहीं करनी है, कि जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया था, आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में भी क्लिक बेट नहीं करनी है। नहीं तो वही होगा दोस्तों कि आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग किसी और चीज़ का डाला है और जो वीडियो कुछ और है, तो लोग उस पर क्लिक करेंगे पर अंदर उनको कॉन्टेंट नहीं मिलेगा तो वो छोड़ के चल जाएंगे, वॉच टाइम गिर जाएगा और वीडियो डाउन हो जाएगी। तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी है, सीधे रास्ते पर चलना है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं अपनानी है। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों कि आपको एटलीस्ट 40 से 50 वीडियो जो है यूट्यूब में, अगर आपका नया नया चैनल है तो आपको अपलोड करनी है बिना व्यूज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइबर की चिंता करे हुए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही इन सब चीज़ों के पीछे भागने लग जाओगे तो दोस्तों ये सब चीज़ें तो आपको मिलेगी नहीं, ऊपर से आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे और आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो आपको कम से कम 40-50 वीडियो जो है यूट्यूब को देनी पड़ेगी, तभी जो है यूट्यूब भी एक एल्गोरिथम पे चलता है दोस्तों, तो अगर आप उसे कंटेंट दोगे तभी वो समझ पाएगा कि हाँ भाई इस कंटेंट में दम है, तभी वो उस चैनल को और आगे ग्रो करने में आपकी मदद करेगा दोस्तों। पर अगर आप उसे कंटेंट नहीं दोगे, एक दो वीडियो डालोगे, तो वो चैनल को कैसे ग्रो करेगा, जब आप उस पर कोई कंटेंट ही नहीं है आपका, तो खाली चैनल कैसे ग्रो करेगा। उस पर भी कुछ कंटेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आपके चैनल की रीच जो है बढ़ा पाए। इसलिए आपको 40-50 वीडियो बिना ये सब ध्यान दिए अपलोड कर देनी है दोस्तों। इसके बाद हमारा छठा पॉइंट आता है वो प्रमोशन का। दोस्तों मैंने बहुत लोग देखे हैं कि वो 10-15 वीडियो अपलोड करने के बाद प्रमोशन के लिए भागते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं। दोस्तों आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगा, क्योंकि इससे ये होता है दोस्तों, एक तो क्या होता है कि आप जिन लोगों को शेयर कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, आपने शेयर किया इसलिए वो लिंक तो खोल लेते हैं, उस वीडियो को खोल के देख लेते हैं कि हाँ आपने भेजी है, पर वो उस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और फिर उसको छोड़ के चल जाए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो दोस्तों वो देखने के लिए किसी वीडियो में क्या है उसको खोल के तो देख लेता है। मान लीजिए जो आदमी उस वीडियो को देख रहा है उसका उस टॉपिक में या उस कैटेगरी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उस वीडियो को थोड़ा सा देखेगा। आपका कंटेंट अगर बहुत अच्छा भी है पर वो चीज़ देखना चाहता ही नहीं, वो चीज़ उसके समझ ही नहीं आ रही है, तो वो उस वीडियो को क्यों देखेगा, उसको तो ये लगेगा बेकार है, वो छोड़ के चले जाएगा। तो इसलिए ये होगा दोस्तों कि जो आपका वॉच टाइम है वो गिर जाएगा, आपकी वीडियो डाउन हो जाएगी। तो प्रमोशन से यही नुकसान होता है दोस्तों कि जो आपकी वीडियो है वो ऐसे लोगों तक भी पहुंच जाती है जो वो टॉपिक वो कैटेगरी देखने में इंटरेस्ट रखते ही नहीं है। इससे क्या होता है कि ज़बरदस्ती वो आपकी वीडियोस खोल तो देते हैं पर आपका वॉच टाइम गिर जाता है और जो है आपकी वीडियो डाउन हो जाती है। या मान लीजिए उन्होंने आपको सब्सक्राइब भी कर दिया तो आगे आने वाली आपकी वीडियोस में वो क्या करेंगे कि आपकी वीडियो खोल लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, छोड़ के चल जाएंगे, तो वही आपका वॉच टाइम गिर जाएगा और आपकी वीडियो डाउन हो जाएगी, या कभी कभी तो आपकी वीडियोज़ देखेंगे भी नहीं। तो इससे भी आपके जो है क्या कहते हैं फ़र्क पड़ेगा आपके चैनल पर। मैं तो कहूँगा कि आप प्रमोशन के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, आप बस वीडियो जो है टाइम टू टाइम अच्छा कंटेंट देते हुए अपलोड करते रहिए। इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट आता है दोस्तों चैनल आर्ट, लोगो और अबाउट सेक्शन के बारे में। दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं पर उनके चैनल पर जब हम जाते हैं तो कोई भी चैनल आर्ट या चैनल
का लोगो नहीं होता ढंग का, या अबाउट सेक्शन तो एकदम बेकार सा होता है, कुछ लिखा ही नहीं होता उस पर। दोस्तों वो सोचते हैं इन सब चीज़ों को क्या ये बाद में देखी जाएगी, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज़ें बाद में देखी जाएगी, पहले हमारे सब्सक्राइबर मिल जाए, हमें 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए, ये सब चीज़ें बाद में देखी जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए एक वीडियो अपलोड की, उस पर भी कुछ ना कुछ व्यूज़ आएंगे, और मान लीजिए उसका कोई व्यूअर है वो आपके चैनल तक वहाँ से पहुँचता है, और वो देखता है कि उस पर लोगो नहीं है और आर्ट नहीं है, अबाउट सेक्शन दिखा लिया, तो उसको प्रोफेशनल लुक नहीं लगेगा, वो सोचेगा ये ऐसा ही चैनल है क्या, सब्सक्राइब करो, इसे छोड़ के चले जाएगा। दोस्तों ऐसा ही करके आपके धीरे धीरे सब्सक्राइबर आपको कम हो जाएंगे, दोस्तों आपको सब्सक्राइब लोग नहीं करके जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपके चैनल पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, आपका चैनल जो है बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप पहली वीडियो अपलोड करने से पहले ही ये सब चीज़ें पहले से करके रख लीजिए दोस्तों, और उसके बाद ही आप पहली वीडियो अपलोड कीजिए। इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आता है, वो आता है कि आपको यूट्यूब में जो है आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि यूट्यूब से आपको पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा दोस्तों, और आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा भी पैसा मिल सकता है इससे। पर दोस्तों अगर आप शुरुआत से ये सोच के आएंगे कि यूट्यूब में पैसा मिलेगा, मैं 4 वीडियो अपलोड करूँगा या 1 महीने वीडियो अपलोड करूँगा मेरे को पैसे मिलने लग जाएंगे, तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो आपका टाइम लेता है, आपकी मेहनत लेता है, तभी वो आगे चल के ग्रो होता है, तभी आपको उससे अर्न आप कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 1 साल मान के चलिए, इससे पहले भी लोगों के चैनल ग्रो होते हैं, वो मोनेटाइज हो जाते हैं, पर मिनिमम 1 साल मान के चलिए कि आपको सिर्फ इसमें मेहनत ही करते जाना है, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा इससे। तो दोस्तों आप अगर ये सोच के आ रहे हैं कि इसमें पैसा मिलेगा 1 महीने में या 4-5 वीडियो में ही, तो आप ऐसा गलत फहमी आप पहले से ही मत रखिए दोस्तों। अगर आपका पैशन है तभी आप इस फील्ड में आगे आइए। इसके बाद 9 पॉइंट आता है दोस्तों कि आपको यूट्यूब हमेशा पार्ट टाइम करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि और इसका जो इफ़ेक्ट है अपने बाकी काम या जॉब जो है या आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर इफ़ेक्ट इसका नहीं पड़ने देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने एक बारी को इसके लिए जॉब वगैरह या अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और मान लीजिए आगे चल कर आपको इसमें सक्सेस नहीं मिल पाती इतनी जितनी आप चाह रहे थे, तो आप अंदर से डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मैंने इसके लिए ये सब भी छोड़ दिया और मेरे पे ना ये रहा ना वो रहा। इसलिए आप जो है यूट्यूब को पार्ट टाइम शुरू कीजिए, बाकी चीज़ में आपका इफ़ेक्ट मत पड़ने दीजिए, और इसको पार्ट टाइम शुरू करते रहिए। इससे ये होगा कि अगर आपका जो है चैनल धीरे धीरे करके ग्रो नहीं भी होता है दोस्तों, टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप पे कोई इसका बर्डन नहीं रहेगा आपकी, क्योंकि बाकी चीज़ तो एडिटिंग चल रही है। और दोस्तों मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि इसको आप जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं कर जाता अच्छा खासा, तो इससे आप किसी को शेयर मत कीजिए, क्योंकि आजकल दोस्तों आप जानते हैं सब पे एक पर्सनल मोबाइल तो रहता है, उसमें कैमरा भी आजकल इतने अच्छे आने लग गए हैं कि आप उससे वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप जो है इसकी वीडियो जो है अपने आप बिना किसी को बताए शूट कीजिए और अपलोड कीजिए, और जेन्युइन ट्रैफिक और व्यूज आने दीजिए, और प्रमोशन के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं ये, तो इसको शुरू में सीक्रेट ही रखिए दोस्तों। इससे ये होगा दोस्तों कि आप पे भी कोई बर्डन नहीं रहेगा, कि अगर ऐसा होता है ना कि अगर आपने किसी को बता दिया कि मान लीजिए मेरे YouTube चैनल है, तो वो भी बार बार आपसे पूछते हैं कि हाँ आपका YouTube चैनल का क्या हुआ, कैसा ग्रो कर रहा है, कैसा चल रहा है आपका YouTube चैनल, तो आप पे भी प्रेशर रहता है कि हाँ मैंने आप सबको बता दिया और ये ग्रो नहीं कर रहा है, तो मेरी एक तरीके से बेइज्जती हो रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको, इस जो है आप उल्टा इससे क्या होगा, आप और डीमोटिवेट हो जाओगे, मोटिवेट तो होंगे नहीं, डीमोटिवेट और हो जाओगे, और आप ये चैनल ही बंद कर दोगे। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इसे एकदम सीक्रेट रखिए, आराम आराम से अपने आप बिना किसी को बताए वीडियो अपलोड करते रहिए, जेन्युइन ट्रैफिक और जेन्युइन सब्सक्राइबर आने दीजिए, एक बार जब चैनल ग्रो हो जाए तो तब आप उन्हें बताइए, तो दोस्तों आपको भी खुशी मिलेगी, और तो उनको भी आपको दिखाने के लिए कुछ रहेगा कि हाँ देखिए मेरा चैनल ये है और वो मेरे चैनल में इतना सब्सक्राइबर है, आप भी कुछ दिखा पाएंगे दोस्तों। और इसके बाद हमारा जो 10th पॉइंट आता है और आखिरी पॉइंट, वो आता है कि आपको यूट्यूब में हमेशा पेशेंस रखना है दोस्तों, और काम कंटिन्यूसली करना है, वर्क कंटिन्यूसली करना है। पेशेंस का मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोच के मत आइए यहाँ पर कि आपको 2 दिन काम करेंगे या 1 महीने काम करेंगे और आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, यूट्यूब आपका पेशेंस का जो है आपका टेस्ट लेता है। अगर आप पे पेशेंस है तो ही आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, और पेशेंस नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं है आपका चैनल कब ग्रो होगा।
कभी कभी 3 महीने भी लगते हैं, कभी कभी 6 महीने, कभी कभी साल, कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो अगर आप पे पेशेंस नहीं होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और चैनल बंद कर दोगे। तो आपको पेशेंस शुरू से ही यहाँ पर रखना है और काम कंटिन्यूसली करना है दोस्तों। कंटिन्यूसली का मतलब ये नहीं कि आपको रोज़ एक वीडियो डालनी है या हर 2 दिन में एक वीडियो डालनी है। कंटिन्यूसली का मतलब आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको 1 दिन में एक वीडियो डालनी है, 2 दिन में एक वीडियो डालनी है, या 5 दिन में एक वीडियो डालनी है, या 1 हफ्ते में एक वीडियो डालनी है। जो भी आपने शेड्यूल शुरू से सेट करके रखा है, उस शेड्यूल के तहत आप काम कंटिन्यूसली कीजिए। मतलब उस शेड्यूल को आप कंटिन्यूसली जो है फॉलो कीजिए, चाहे वो शेड्यूल आपके टाइम पे डिपेंड है कि आप कितना टाइम यूट्यूब को दे सकते हो, उस टाइम के हिसाब से आप वो शेड्यूल बनाइए। पर उस शेड्यूल को आप शुरुआत से ही, चाहे आपके 0 सब्सक्राइबर है, वहीं से आप उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे फॉलो शुरू से नहीं करते हैं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आप इस पर कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए आप शुरुआत से ही पहली वीडियो से इस जो भी आपने शेड्यूल बनाया उसको फॉलो कीजिए और काम कंटिन्यूसली कीजिए दोस्तों। और पेशेंस भी रखिए और आपका चैनल एक दिन ज़रूर ग्रो करेगा दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको पूरे 10 पॉइंट बता दिए दोस्तों जो आपके चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे, और इन सब का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं दोस्तों तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका चैनल एक दिन धीरे धीरे करके ही सही पर ग्रो ज़रूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपके चैनल के लिए बेस्ट विशेस है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों।